हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आपके जो बर्ड्स हैं वो भी फिट एंड फाइन होंगी। और आप अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल तुरंचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने केज को किस तरह से आप उसे डेकोरेटिव बनाएं, किस तरह से आप उसे फैंसी बना सकते हैं। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके अपने केज को डेकोरेटिव बनाने के लिए। अगर आप कहीं अपना घर वगैरह में रखते हैं तो थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्लस अच्छे से बैठने का उनका परचेज होना चाहिए। आपके बर्ड्स के लिए झूले वगैरह होना चाहिए जिससे आपके बर्ड्स भी इंजॉय करें और आप भी इंजॉय करें जब आप कहीं पर लगाते हैं अपने घर में। और बहुत से लोग मेहमान आपके घर में आते होंगे, वो देखेंगे तो उनको भी पसंद आएगा। तो ये देखिए मेरी बेटी आ गई, बीच बीच में आ जाती है भी परेशान करने के लिए। तो मैंने ये एक पर्च जरा मैंने एक ये मैंने जो पर्च की लकड़ी ली है, पर्च मतलब जो बैठने के लिए इनकी जो शाखाएँ वगैरह इसको बोलते हैं, उसको हम लोग पर्च बोलते हैं, जिसमें हमारी बर्ड्स बैठती है, उसे बैठने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। उसे भी अपना ज़रा नेचुरल माहौल मिलेगा तो उसकी भी जो डर है बर्ड्स का वो निकलेगा। जब बर्ड्स का डर निकलेगा तभी वो अच्छे से ब्रीड करेगी। आप सोचें केज में बंद करके रखें, बार बार उसे परेशान करें, 10 बार उसको झागा झाकी करें उसकी मटकी की, और आप सोचें वो बर्ड ब्रीड कर लें, वो कभी ब्रीड नहीं करेगी। क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स का डर नहीं निकलेगा और अपने आप को फ्री महसूस नहीं करेगी, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगी कि उसे हर चीज़ मिला, भले ही आप दाना पानी दे रहे हो कितने अच्छे से अच्छा, लेकिन जब तक वो फ्री महसूस नहीं करेगी, अपने आप को अच्छा फील नहीं करेगी, तब तक वो कभी ब्रीड नहीं करेगी। और देख के आपको भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा कि आपका बर्ड्स, आपका जो केज है वो बहुत ही फैंसी लग रहा है, आपने अच्छी परचेज वगैरह बनाई है। तो ये लकड़ी है मैंने ली है आंवले का, एक मेरे आंवले का पेड़ हुआ करता था, होता है, उसी की मैंने शाखा तोड़ी है, उसी में कई ब्रांचेस निकलती हैं। आपके पास जो भी पेड़ वगैरह मिल जाए उसमें सूखी अगर कोई शाखा है आपने रख रखी है, बस थोड़ा देख लीजिए, मजबूत होना चाहिए। और उसे अपने केज के हाइट, जो भी हाइट हो उसके बराबर आप काट लें लंबाई में, और जो ब्रांचेज हैं वो भी छोटी छोटी करके काट लें, उसके पत्ते वगैरह आप साफ़ कर दें, क्योंकि पत्ते तो अब क्या है, कटे हुए ब्रांच आप लगाएंगे तो वो सूख ही जाएगा। तो आप उसे देखिए, मैंने जैसे कि एक पहले बैठने के लिए पर्च बनाया था लोहे के पाइप का, मैं उसी में इसको बांध दे रहा हूँ। और कोशिश करिए आप तार वगैरह से ही बांधें, क्योंकि होता है क्या, ये कॉकटेल्स को क्या होता है, काटने की आदत होती है, तो अगर आप रस्सी वगैरह से बांधेंगे तो वो एक आध दिन में ही काट देगी और ये पर्च पूरे का पूरा गिर जाएगा, फिर आपको ठीक करना पड़ेगा, फिर आप घुसेंगे तो आपका बर्ड घबराएगा। तो आप कोशिश करिए जो भी काम करें एक बार करें और पुख्ता करें। तो ये तो हो गया पर्च का काम। इसके अलावा आप इसमें झूले लगा सकते हैं, जो मटकियाँ लगाएं उसे कलर्ड करके लगा सकें। फ़िलहाल तो मैं रेड कलर ही कर रहा हूँ क्योंकि रेड कलर थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, उसे भी मैं दिखाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, वीडियो पसंद आए तो एक ज़रूर लाइक ठोक दें प्लीज़, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी आपके क्वेश्चन हों, सवाल आते हों, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ झूला। मैंने ये लिया है तार, मोटा तार लिया है, उसी को एक झूले का आकार दे दिया है और ऊपर से बना दिया है हुक। और इस हुक को जो बीच में मैंने लकड़ी लगाई थी उसमें मैं डाल दूंगा और ये ऐसे करके मूवमेंट करेगा। अब ये तार तो है थोड़ा पतला, इसमें तो बर्ड्स बैठ नहीं पाएगी, बैठेगी तो सही से ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगी। तो उसको और मोटा करने के लिए फिलहाल तो मैं इसमें बीच में पाइप भी डाल सकता था, लेकिन पाइप क्या है, वो घूमेगा, अगर उसके ऊपर बर्ड्स बैठेगी तो स्थिर नहीं रहेगा, वो गोल गोल उसके अंदर घूमता रहेगा। तो मैंने सोचा कि इसमें एक लकड़ी चौड़ी सी करके बांध देता हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी बर्ड्स है जैसे कॉकटेल्स है वो आराम से इसके ऊपर बैठ जाएगी। और फिलहाल मैं आगे फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, इसमें मैं डालने की सोच रहा हूँ फिंचेस। पहले मैं सोच रहा था कि मैं इसमें डालूँ आपकी जावा, लेकिन जावा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो आपके कॉकटेल को मार सकती है, क्योंकि बहुत ही भली छोटी है लेकिन कॉकटेल बहुत ही सीधा बर्ड्स है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सीधा होता है। तो जो फिंच होती है वो भी काफ़ी सीधी ही होती है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा, ये देखिए मैंने टांग दिया है इसमें मैंने झूला, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें फिंच पहले ट्राई करके देखूँ, और वो भी वीडियो बनाऊँगा मैं जल्दी जब मैं डालूँगा, तो वो वीडियो भी शेयर करूँगा। फिर कुछ टाइम रख के देखूँगा कि उनके साथ वो एडजस्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है, अगर एडजस्ट करेगी तो फिर मैं और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। तो फ़िलहाल के तौर पर मैंने 4 मटकी लगा दी हैं फिंचेस के हिसाब से, क्योंकि कम से कम मैं सोच रहा हूँ 4 पेयर तो डालूँ। तो फ़िलहाल मैं ट्रायल के तौर पर देखता हूँ, 1-2 पेयर ही डालता हूँ, फिर और कोशिश करूँगा बाद में बढ़ाने की, क्योंकि फिंच बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। अगर मैंने उसको डालने के बाद फिर मैं इधर उधर केज खोला वगैरह तो हो सकता है वो आपकी मेरी फिंच उड़ सके, उड़ जाए, क्योंकि एक बार देखा ही था मैं, आपने, मैं एक बार अपनी केज में
नेस्ट बॉक्स लगा रहा था तो मेरी फिंच उड़ गई थी उसकी, और वीडियो में मैंने बहुत पहले बनाई थी, और हो सकता है मेरे कुछ भाई जो व्यू कर रहे हैं ये वीडियो को, उन्होंने ज़रूर व्यू वो वाली वीडियो भी मेरी देखी होगी। ये देखिए मैंने इसमें मटकी लगा दी है, एक मड़ी मटकी तो ऑलरेडी कॉकटेल की है, और मैं सोच रहा हूँ एक आध पेयर कॉकटेल का और बढ़ा दूंगा इसमें धीरे धीरे करके। और ये चार मटकियाँ मैंने लगा दी हैं, और इस मटकियों को मैंने कोशिश कराया है पेंट करने की। मैंने अपना कलर चूज़ करा है रेड, आपको जो कलर पसंद आए वो आप कर सकते हैं, और कोशिश करिए डार्क कलर ही चूज़ करें आप। येलो यूज़ चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चूज़ कर सकते हैं। ये जो कलर मैंने यूज़ किया है ये वॉल दीवार में करने वाला पानी वाला वाटर पेंट है, वाटर कलर है, वो यूज़ किया है। आपका मार्केट में मिल जाता है वेदर कोट के हिसाब से, बर्जर का वेदर कोट, वही मैंने यूज़ किया है। सिग्नल रेड कलर है क्योंकि रेड कलर काफ़ी ज़्यादा खिलता है, अगर आप हल्का कलर लगाएंगे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए लाल कलर देखेंगे तो उसका कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। उसमें मैंने देखिए झूला लगा दिया है, बैठने का आप देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस बन गया है इनका, और मैं खाने के लिए इनका मक्का दे रहा हूँ। ये जो कॉकटेल्स हैं वो मक्का खाना बहुत पसंद करते हैं, तो मैं पूरा पूरा साबुत मक्का रख देता हूँ। ये देखिए एक सामने डंडल दिख रहा होगा आपका, पूरा मक्के के दाने उन्होंने खा लिए हैं। एक मैंने अभी नया फ्रेश डाल रखा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करिए। देखिए अभी मैंने झूला डाला और ये बैठ के इसमें इंजॉय करने लगा, तो मज़ा आएगा। आप देखेंगे जब अच्छी खासी बर्ड्स हो जाएंगे, वेडियस हो जाएंगे, वो उसमें झूला भी झूलती हैं। ऐसा नहीं आपने झूला डाला झूलेंगे नहीं, नज़ारा आपके सामने ही है। अभी मैंने बस 5 मिनट पहले लगाया और ये इसमें झूलने लगा आपका कॉकटेल। और अगली वीडियो जब भी मैं डालूँगा बनाऊँगा कॉकटेल डालने की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी की तरह की मैं और भी इंटरेस्टिंग अलग अलग टॉपिक्स पर मैं वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे पास बजीज हैं, फिंचेस हैं, जावा हैं, कॉकटेल्स तो हैं आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा लव बर्ड्स भी हैं, तो मैं सब चीज़ से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मैं शेयर करता भी रहता हूँ। तब तक के लिए चलिए अगली वीडियो के लिए अब आप बिल्कुल मेरे इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप सभी मेरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा अगली वीडियो का। थैंक यू, इसी तरह बने रहने के लिए मेरे चैनल के साथ।